मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक, वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, हमारे बड़े भाई बिहार सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय तेज प्रताप जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, ब्रिशन पटेल जी, मनोज झा जी, कांति सिंह जी, हमारे राज्यसभा के मेंबर करीम साहब जी, श्याम रजक जी, उदय नारायण चौधरी जी, प्रेम कुमार मणि जी, रामबली चंद्रवंशी जी, शोएब कारी जी, महेश्वर जी, सुनील जी, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, नेता, अलग अलग प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग साथीगण, सभी माताएं, बहनें और दूर दराज से इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे जितने श्रोता राष्ट्रीय जनता दल के विचार पे चलने वाले, लालू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी साथियों को इस रजत जयंती के अवसर पर दिल से, हृदय से आप सब लोगों का स्वागत और शुभकामनाएं देने का काम करता हूं। 25 वर्ष पूरे हो गए सिल्वर जुबली रजत जयंती पार्टी मना रही है। शुरुआत में उद्घाटन के क्रम में आदरणीय लालू जी ने आप सबको बताया कि किस विपरीत स्थिति में, डिवीजन घड़ी में पार्टी की कैसे उन्होंने स्थापना करने का काम किया। लेकिन हम सबसे पहले नमन करते हैं रामविलास पासवान जी को भी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज जयंती है। हमारे पिता के साथी रहे, मित्र रहे, साथ मिलकर के संघर्ष करने का काम किया। आज वो हम सबों के बीच नहीं है, इसका हमको दुख है। उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। साथ ही आज हम लोग उनको याद करते हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आदरणीय लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी को भी आज हम लोग याद करने का काम करते हैं। चुनाव से ठीक पहले उनका निधन हुआ, हम उनको भी याद करते हैं। पार्टी के सांसद भी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को, हम विद्या सागर निषाद जी को भी याद करते हैं, रविंद्र कुमार यादव जी को, विजय सिंह जी को, रामविचार राय जी को, सूर्यदेव राय जी को, अब्दुल गफूर साहब को, रामजी दास ऋषिदेव जी को, खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन जी को, कुंती देवी जी को, हरे कृष्ण यादव जी को, उपेंद्र नारायण हजरा जी को, आनंदी प्रसाद जी को, राम नारायण मंडल जी को, आनंद भारती जी को, विजय कुमार जी को, राजकिशोर सिंह जी को, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को, राजीव बेंजामिन जी को, अजय कुमार सिंह जी को, नकुल सिंह जी को, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी को, जीतन राम जी को, रणविजय यादव जी को, ये जो हमारे जो साथी रहे, जो नेता रहे, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनका इस महामारी के घड़ी में निधन हुआ, उन सब के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि सब आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। आज इस दुख के घड़ी में हम पूरी पार्टी इन सभी नेताओं के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी, और ठीक ही कहा आदरणीय जगदा बाबू जी ने कि लालू जी का कोई संघर्ष जो है
वो 25 साल का नहीं है। 25 साल तो पार्टी की स्थापना किए हुए हुआ 97 में हुआ था 5 जुलाई को, और उस समय हम 8 साल के हुए होंगे, 8-9 साल के। 4 जुलाई को इतना हमें याद है, छोटे ही थे, कि 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का, जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को, उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे, सबको खोल के दिखाया था। नहीं तो उससे पहले तो जनता दल था हम लोगों का। जब हम लोग छोटे थे तो कई बार रथ में जो सद्भावना रथ था, गरीब चेतना रथ था, लालू जी के साथ हम लोग भी चले जाते थे। अब बचपना था, बचपन में मन लगता था नारा लगाने में, तो उस समय चक्का छाप होता था जनता दल का, तो रथवा में बैठ के आगे लालू जी हमेशा कहते थे बोलो नारा लगाओ, तो पीछे से बोलते थे जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। तब हम लोग माइक पे वही नारा धरे 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 लगातार हम लोग, और सब में तो सबसे आगे तेज भाई रहते थे, भर घर में गाड़ी घुमाते रहते थे, झंडा धोते रहते थे, तो हमको तो काफी प्यार स्नेह लोगों ने दिया है। लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जिताया है, जो बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके उम्मीदों पे हम जरूर खड़ा उतरेंगे, उनके विश्वास को हम जरूर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कुछ कमी हम लोगों से हो गई हो तो सब लोगों से माफी भी मांगते हैं, छोटे हैं हम लोगों की तो सीखने की उम्र है, सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबों से होती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति अच्छा इंसान वही बनता है जो अपने गलतियों को समझ के सुधार करके आगे बढ़े, वही कामयाब होता है। और हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है, और वो प्रयास कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, चाहे पार्टी के सभी लोग हों, ईमानदारी से आप याद कीजिए, बिना आदरणीय लालू जी के शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे हम लोगों के बीच 2020 के विधानसभा चुनाव में। लोग ढूंढता था, याद करता था, अब लालू जी नहीं है क्या होगा, लेकिन ठीक ही कहा कि लालू जी नाम नहीं बल्कि लालू जी विचार है, उस विचार को आप कैद नहीं कर सकते। उस विचार के साथ सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, गैर बराबरी, लोगों को बराबरी हो, समानता हो, अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित समाज को आगे मुख्य धारा में लाना हो, दंगाइयों को परास्त करना हो, सब लोगों ने हम लोग, और जो वाकई में बिहार की समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि सबसे बड़ा अगर बिहार में समस्या है तो बेरोजगारी का समस्या, हम लोग ने प्रयास किया आगे ले जाया। लोग कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन बिहार की जनता ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अति पिछड़े हो, सब लोगों ने दिल खोल करके लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने का काम किया। और आदरणीय लालू जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग उनको देख सकते हैं, बैठे हैं, और जो प्रसन्नता के भाव आप लोगों के चेहरे से जो झलक रहा है, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रहा है कि भाई आपका नेता वापस आ गया,
हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार आए, फिर से अपने काम में लगे। लेकिन काम में वो देखिए कहीं भी हो, कहीं भी रहे, लेकिन लगातार बिहार की जनता और देश की जनता को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहे, परेशान रहे। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खास तौर पे हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बूथ पे उन्होंने जो काम किया है, जिस हिसाब से चुनाव में एकता का परिचय दिया है, बिना संसाधन के लालू जी के विचार को, और जिस जोश के साथ परिचय दिया कि राष्ट्रीय जनता दल कोई करिश्मा, कोई तेजस्वी या जगदा बाबू या तेज बाबू या सिद्दीकी जी या तिवारी जी का नहीं, ये करिश्मा था असल मुद्दे को उठाने का, और हमने जनता के मुद्दे को उठाया और जनता ने हमारा साथ दिया और कार्यकर्ताओं को बल की वजह से पार्टी आज जो है सबसे बड़े दल के रूप में निकल करके आया। कुछ लोगों की नाराजगी होती है, भाई 243 सीट है, अब 140 कुछ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अब भैया टिकटवा तो 140 ही को ना मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है कि जिसको 140 लोग को चुना गया टिकट के लिए वही पार्टी का है, उसी को लोग पसंद करते, ऐसा नहीं। ये पार्टी सबकी पार्टी, और ये पार्टी को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए कौन कौन, कहां कहां, कब कब प्रयास नहीं किया गया। लेकिन ये लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, पर लालू जी ने जो पार्टी बनाया है वो उन आदर्शों पर बनाया है, उन महापुरुष के आदर्शों पर बनाया है, चाहे जयप्रकाश जी हो, कर्पूरी जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, फूले हो, बिरसा मुंडे हो, अब्दुल गफार साहब हो, सब लोगों पर उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों ने बनाया। जब सत्ता मिली तो लोगों ने, अलग अलग विरोधियों ने एक षड्यंत्र के हिसाब से, और वो लोग ये जंगल राज का नारा दिया करते थे जिनको बेचैनी थी सत्ता जाने का, उन लोगों को ज्यादा बेचैनी थी, उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा कि जंगल राज है, जंगल राज है। हमने तो सदन के अंदर विधानसभा में 1990 से लेकर के 2005 तक का आंकड़ा रख दिया, और 2005 से 2018 तक का आंकड़ा रख दिया, क्राइम डेटा रख दिया, एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा रख दिया। उस आंकड़े में था कि 1990 से 2005 तक जो क्राइम था इतना नहीं था जितना 2018 नीतीश कुमार जी और बीजेपी के राज में हुआ। उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक बात याद करना पड़ेगा, असली विकास क्या है। अभी कुछ लोग चोला पहन रहे हैं विकास का, और उन्हीं के मंत्री या विधायक जो है पोल खोल रहे हैं, किसी से छुपा नहीं कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, बिहार गया, कहीं कोई विकास नहीं, बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम नहीं, बिना घूस के ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, युवा अपना अधिकार मांगेगा तो उसको लाठी डंडा बरसाया गया, स्थिति वाला क्या हुआ, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट हो गया, और विकास का चोला लोग पहने हुए हैं और बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। असली विकास किसके लिए, असली विकास के क्या मायने हैं? जब तक मानव का विकास नहीं होगा, असमानता नहीं हटेगी, लोग सम्मान, मान लीजिए किसी को खाने को ठीक नहीं, भुखमंगरी के कगार पर है, और एक आदमी का 20 मंजिला मकान है, तो वैसे विकास से क्या फायदा। जब तक इंसान मानव का विकास नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा, जब तक नफरत भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक पुल पुलिया का क्या कीजिए। आज खाने को ठिकाना नहीं, फ्लाईओवर का क्या करेगा, रोड का क्या करेगा, जब गाड़ियां नहीं किन सकता। तो इसलिए
असली विकास था सामाजिक न्याय। सदियां लग जाती हैं, वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब लालू जी का सत्ता जब कमान मिली 1990 में, वो दौर का मांग था सामाजिक न्याय का, और लालू जी ने कुछ चंद दिनों के बाद ही सामाजिक न्याय, भेदभाव मिटाने का काम किया, एक ही घाट पे सबको पानी पिलाने का काम किया। वो होता है विकास। विकास के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जब तक मानव नहीं विकास मानव का होगा, तब तक किसी का विकास रोड पुल बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो वो लालू जी ने करके दिखाया। हम ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहना चाहते हैं, हम लोग तो समय समय पे आप लोगों से बात करते रहते हैं। अब हमको नहीं बताना कि यही लालू जी हैं। जब रेल मंत्री बने थे तो देश में ऐसा किसी मंत्री ने नहीं किया था, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिलाने का काम किया। तो हमने तो हर तरीके का विकास देखा लालू जी ने किया। जो रेलवे बंद होने के कगार पे थी, कर्ज में थी, उसको लालू जी ने हर साल बजट में किराया कम करते हुए मुनाफे में लाया। लालू जी मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाने गए। तो लालू जी ने तो हर विकास किया। ये चिड़िया टायर पूर देख लीजिए, अभी क्या होता है रेलवे और राज्य सरकार में, कहीं आरओबी बनना है रेलवे ओवरब्रिज तो 50-50% लगता है राज्य सरकार। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो जितना फ्लाईओवर बनना था रेलवे का, जितना काम था सारा रेलवे द्वारा करवाते थे, बिहार सरकार को एक चमन्नी नहीं देना पड़ता था। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम 105 रुपया भाग गया, 27 जिलों में 100 से भी ज्यादा जो है सेंचुरी मार दिया, गैस का दाम 800-900 रुपया, कितना 900 से भी 925, अब 1,000 कहीं, किस तेजी से भाग रहा है। क्या बोला गया था, अच्छे दिन। लालू जी ने उस समय कहा था 2014 में, क्या दूरदृष्टि थी, लोग मजाक उड़ाते थे, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। लालू जी कहते थे वक्त है, देश टूटेगा या एक रहेगा ये तय कर लीजिए। आज देश को बेचने का काम किया जा रहा, रेल, सेल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, सब कुछ बेचा जा रहा है। लोग कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। याद कीजिए उन नारों को। लालू जी हमेशा कहते थे बड़ा भाई छलिया लोग है, लोग तो गणेश जी को दूध पिला देता है। तो धोखे में सभी लोगों को रखा गया, जीएसटी लाया, नोटबंदी आया, क्या क्या नहीं आया, सब फेल। काम इन लोगों ने केवल और केवल किया है नफरत बांटने का, समाज को तोड़ने का, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का। और याद कीजिए वो दिन, आज के तो मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलते नहीं हैं, अपना ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, दीवार ऊंचा करते हैं और जनता से दूरी बनाते हैं। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो दीवार था ही नहीं, गेट खुला था, लोगों से मिलना जुलना था, लगता था कि भाई जनता का मुख्यमंत्री है। अब तो लगता केवल अधिकारी का और चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री। तो आप लोग याद कीजिए, जब दंगा फसाद होता था तो एसपी को नहीं पता चलता था, सीएम हेलीकॉप्टर लेकर के वहीं पहुंच जाते थे ऑन स्पॉट कि हम बिहार को जलने नहीं देंगे। और अडवाणी जी को तो कैसे गिरफ्तार किया, कैसे गेस्ट हाउस ले जाके किया, किसी का एक फोटो भी नहीं होगा जिसका जिक्र हमेशा लालू जी करते हैं। याद कीजिए, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कमी के वजह से कुछ लोग सत्ता में आ गए,
और आपकी लड़ाई उनसे है। बिहार चुनाव जब 2020 का था, आप नीतीश कुमार जी से लड़ रहे थे, आप नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे थे, अमित शाह जी से लड़ रहे थे, भारत सरकार से लड़ रहे, बिहार सरकार से लड़ रहे थे, बीजेपी माइंडसेट के मीडिया के लोगों से लड़ रहे थे, पूंजीपतियों से लड़ रहे थे, अलग अलग यहाँ गठबंधन बनवा दिया गया था, अलग अलग छोटे छोटे दल का हम लोगों का वोट काटने का उनसे हम लोग लड़ रहे थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उन सब लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बिहार की जनता को हम सलूट देते हैं कि उनका जनादेश जो था वो महागठबंधन के पक्ष में था। नतीजा जो दिया वो चुनाव आयोग ने दिया। क्या षड्यंत्र हुआ, क्या खेला हुआ। यहां शक्ति सिंह यादव बैठे, हिलसा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, शाम में इनका मैसेज आता है चुनाव वाले दिन कि सर हम जीत गए हैं, अनाउंस हो गया है, हम 550 वोट के से जीते हैं। हम बोले सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो बोला हाँ अब तो अनाउंस कर दिया, सर्टिफिकेट देगा। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, बोलता आप यहां सर कहे बैठे, आप तो हार गए। अब बाद में लास्ट में 12 वोट से हरवा दिया। परिहार सीट हो, भोरे हो, आपका महेशी हो, आपका बड़बिग्गा हो, मुंगेर हो, कई ऐसा 15 से 20 सीट बिना पोस्टल गिने हुए और दबाव में इन लोगों ने हरवाया। ये बात पूरा देश स्वीकार करता है। आप बोले सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। कितनों छल कपट पैसा सारा ताकत लगा दिया गया हराने के लिए, लेकिन कितना भी कोशिश किया हरा नहीं पाए। भले ही सरकार है, चोर दरवाजे की सरकार है, और बिहार की जनता चाहती ही नहीं थी। आज क्या स्थिति बनी हुई है, कोरोना काल में जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी किया, इकोनॉमिक मुख्यमंत्री बैठ के समीक्षा बैठक करते थे, ये भिक्षा बैठक होता था भाई। आज टेस्ट से कितना कमाई हुआ आरटीपीसीआर से बताओ, वो दवाई से कितना हुआ, मशीनवा किने और वेंटिलेटर उससे कितना कमाई हुआ, कोई हिसाब किताब था। हम लोग बोले विधानसभा में हिसाब किताब लाओ जरा, हम लोग देखे कितना खर्च हुआ। बोले भाई कमिटी बना दे, मुख्यमंत्री दबाव में आकर के उस समय कुछ बोल नहीं सकते थे, तो बोले बना दीजिए स्पीकर साहब। आज तक कमिटी जो है वो बनता ही रह रहा है। ए, चोर के दाढ़ी में तिनका ना है भाई, दाल में कुछ काला ना है। अब तो हमको कुछ नहीं कहना, देश में कहीं ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा। कौन कहता है राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष नहीं करता, सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष करती है। जब जब काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे इनका आर्टिकल जो कश्मीर का हो 370, चाहे आपका नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे आपका किसान का काला बिल हो, राष्ट्रीय जनता दल सबसे मुखर होकर के विरोध करने का काम किया। विधानसभा में हम लोगों ने विरोध किया, हर एक मुद्दे को उठाया, शिक्षा चिकित्सा जो चुनाव में हमारा मुद्दा था, दवाई पढ़ाई कमाई सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये मुद्दे के साथ हम बिहार के चुनाव में गए। आज ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना कार्रवाई है। बताइए है कहीं, खाली घूसे है। हम तो नहीं कहना, गजब भी लोग माफिया की बात करता। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने की। कभी सुने कोई बड़ा अधिकारी जेल गया, कोई बड़ा मंत्री जेल गया, कोई पकड़ाया,
सृजन घोटाला वाला लोग घूम रहा है, बालिका गृह में अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी तोंद वाला मूछ वाला चाचा मंत्री सब बच ही गया। क्या बात है भाई, कितना इन लोगों में साहस आता है और कितना निडरता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी का झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन पे बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला दी। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनः जीवित कर दिए, और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था, ये तो नीतीश जी का देने की राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए, तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहां गए ले, किनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70-71, अब लड़े तो असली में जगदा बाबू तो तीसे में थे, तीसे के अंदर समटा गए थे, वो तो बेईमानी से 40 कर लिए, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी, वो तो चुनाव आयोग तीसरा नंबर का पार्टी बना दिया, नहीं तो असलियत में चौथा नंबर के पार्टी है नीतीश कुमार जी। पता जो व्यक्ति 15 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजार दिया, उसकी ये स्थिति, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास एक चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री लाए। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, एक तरफ विकास पुरुष है, आप लोग आज तक अकेले नहीं आप सत्ता में आ पाए, ये उनके सहारे बिना तालमेल के। अरे अभी झगड़ा चल रहा है अंदर, आग लगी हुई है, आग लगा हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में ही खेल हो रहा है। लेकिन हम लोगों को खुश नहीं होना, आज जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आज 25वां रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो हम सब लोगों को हर्ष है, खुशी है। लेकिन अपने अपने आप में आप लोग जरा सोचिएगा और जरा आकलन कीजिएगा कि इन 25 सालों हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर कोई कमी रहेगी ये तो उसको तैयारी कीजिए अभी से। अब पॉलिटिकल लोग कार्यकर्ता लोग को तो 24 घंटे ना तैयार रहना है, रहना है कि नहीं, मजबूती के साथ। लोग क्या क्या भ्रम नहीं फैलाता था कि भाई ये केवल माई की पार्टी, MY की पार्टी, ना ये माई की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। बेईमानी के बाद का चुनाव आयोग का नतीजा सुनिए, छल कपट के बाद का। 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला, कितना? 1,56,00,000। और NDA को बेईमानी करने के बाद, अपना बढ़ा के हमनी का काम करने के बाद चुनाव आयोग का नतीजा 1,56,12,000। अंतर कितना? केवल 12,000 का। अगर MY खाली वोट देती तो आपको 1,56,00,000 वोट मिल जाता, केवल मात्र 12। यानी हमको तो हर लोगों ने वोट देने का काम किया, तब ना जाके 12,000 का डिफरेंस रहा। चाहे अग्रणी जात के हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हमारे भाई हो, अति पिछड़े हैं, हम बस यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है उसके हाथ को आप छोड़िएगा मत। सब लोगों को मान सम्मान और साथ लेकर के, हर जाति हर धर्म के लोग हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के हम लोगों को आगे चलना। और ये तो विरोधियों की चाल रहती है कि राजद को सीमित कर दो MY में, ना, ये पार्टी A to Z की पार्टी है। अब लोग क्या आगे का क्या कार्यक्रम होगा हम लोगों का सब लोग जानते हैं।
चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था, बेरोजगारी। हम लोग जब 10 लाख बोले तो हम तो सोच समझ के ना बोले थे, और हम जब बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे, जब हम बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बोला कैसे दे देगा, कहां से दे देगा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख दे देंगे। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार जी बोले कैसे हो देगा, असंभव है। उन्हीं का दूसरा अलायंस पार्टनर भाजपा बोला 19 लाख दे देंगे। पहले अपने ना फरिया लेते हैं। हमसे जब पूछा गया कि कहां से दोगे तो हमने बता दिया, भाई 5.5 लाख सरकारी नौकरी रिक्त पड़ी है और बाकी का जितना है लगभग 4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले उसमें हम लोग देंगे। यानी हम राष्ट्रीय औसत को मुकाबले हम सरकारी नौकरियां हम देने का काम करें। कहाँ? स्वास्थ्य विभाग में खाली, डॉक्टर नर्स का खाली। बताइए, अभी डॉक्टर नर्स होते हैं, स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले कोई लोग नौकरी दे दिए होते हैं तो आज बिहार के अस्पतालों की स्थिति होती? कुछ नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, ना उससे पहले ना उसके बाद। शिक्षा डिपार्टमेंट में देख लीजिए, टीचर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में हर जगह खाली। पुलिस महकमे में देख लीजिए, हर जगह पद खाली। 70,000 पे एक पुलिस वाला, बल्कि नेशनल एवरेज जो है उससे बेहतर है। क्या काम कर रहे हैं भाई? पद खाली, आप नौकरी नहीं दे रहे। एसटीईटी वाला सब आया तो लाठी मार के भगा रहे, नियोजित शिक्षक वाला आया तो लाठी दे के भगा रहे। जो स्वयं सेविका है, चाहे आशा वर्कर हो या जीविका दीदी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। हमारा मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या कार्रवाई। आने वाले समय में तिथि तय करके हम सब लोग तैयार रहे कि आंदोलन हम लोग करेंगे और रोजगार दिलाने में बेरोजगार नौजवान जो जिनका भविष्य नीतीश कुमार जी खराब कर रहे हैं उनका हम लोग मजबूती और स्वर बनेंगे। चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाना हो, चाहे सदन में विधानसभा में उठाना हो, चाहे सड़कों पर लाठी खानी पड़ी हो, हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करें। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, हम लोग आर्थिक न्याय करने का प्रयास करें। आज का मांग, आज का दौर आर्थिक न्याय का है, इसको लेकर के हम लोगों को सरकार को घेरने का काम करना है। गरीबी, बेबसी, गुर्बत, लाचारी, इन सब से इन सबको उभारना है और इनका वाक्य जो हक है, अधिकार जो है, वो हम सब लोग को मिलकर दिलाने का काम करना है। तो लंबी लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़ना है, लेकिन हम सब लोग जो है एकजुट रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तब ना सफलता मिलेगी। कि खाली नकारात्मकता में जीजिएगा, टिकट नहीं मिला, नहीं मिला तो छोड़ो, पार्टी में कोई पद नहीं मिला तो छोड़ो। और हमने तो कहा है जगदा बाबू जी को कि अगर कमिटी में अगर कोई लोग एक्टिव नहीं है उनको आप हटाइए और नए लोगों को मौका दीजिए। हमने ये भी कहा कि कहीं कहीं बैठ करके जो लोग पार्टी वाला लोग कई जगह बैठ बैठ करके नकारात्मक बात करता है, वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए, ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है। पार्टी जो होती है माई बाप होती है, और आपके मां पे अगर कोई सवाल उठाए, चाहे कुछ भी हो, पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं। उसलिए आप सब लोग काफी सोशल मीडिया के हमारे दोस्त, अब तो कोरोना काल है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग तो सब लोग अपना काम करवा ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है बेईमानों की, तो बेईमानी तो लोग कर ही रहा है। हमको तकलीफ होता है। आप जरा याद कीजिए, जब विधानसभा में विधायकों को पीटा गया
पुलिस का काला कानून पुलिसी वाला विधायक को पीट करके पास कराया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती। 70-70 घोटाले हो गए। ठीक कहा तेज प्रताप जी ने, पत्थर हुआ, पत्थर अत्थर फेंकने लगा। अरे जहां है तब ना जहां है, कोनो हुड़दंग करने नहीं ना लड़ाई करने नहीं। तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। तो हम सब लोगों ने सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की हत्या कराई गई, विधायकों को पीट दिया गया, 70-70 घोटाले हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, अंतरात्मा, नैतिकता खाली तेजस्वी के सवाल पे उठता था। अब इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव के संपत्ति का जरा जांच करा लीजिए, तब अंतरात्मा उनका नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है हम तो ठीक ही ना तब कहते हैं कि उनका अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ा। ये सच्चाई है, क्या बात करते, क्या आदमी, कोई नैतिकता नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई नीति नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग को बोला कि वैक्सीन लगवा लिया विदेशी, स्पुतनिक लगवाए हैं। तो हम तो अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से ना भाई हर काम करते हैं, बिना अध्ययन किए हुए हम कोई फैसला नहीं लेते, बिना राय मशवरा के हम कोई फैसला नहीं लेते। अब स्पुतनिक का हमने कई जगह पढ़ा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भाई उसका 97% एफिशिएंसी है स्पुतनिक वी का, और जो नया जो डेल्टा जो वेरिएंट आया है उसका जो है तकरीबन 90% है उसमें कारगर करता है। और हमको जो पहला स्लॉट मिला हम ले लिए वैक्सीन, पहले काहे नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था, ले लिए तो ई काहे लिया, वो काहे नहीं लिया। ये बताओ ना, कोविडशील्ड जो है पूरा देश लिया, प्रधानमंत्री लिया, वो तो विदेशी है, ऑक्सफर्ड एक्सेजिना, क्यों नहीं लोग बताते। और स्पुतनिक को परमिशन किसकी सरकार दे दिया, आया कैसे, भारत सरकार ही ने ना मंजूरी दी है तब ने हमने लिया। तो लोग जो है तरह तरह का बात करते रहे। हम ही बोलने गए क्या, नीतीश कुमार जी ने मोतियाबिंद छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन था उसके लिए दिल्ली क्यों गए भाई, क्या बिहार के डॉक्टर काबिल नहीं थे, बिहार का अस्पताल काबिल नहीं था, आपने बिहार के अस्पताल को इतना क्यों नहीं बना। लेकिन हम लोग ऐसी ओछी राजनीति नहीं कर सकते, हमारी तो शुभकामना है कि अच्छे से नीतीश कुमार जी को दिखे, हरा भरा दिखे, दिखना चाहिए, इसलिए अब अच्छे से आंख बनवा लिए हैं तो अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कान की तो कोई समस्या है नहीं उनकी, हालांकि वो कुछ जानते कहां, कहीं कुछ हो जाता उनको पता कहां रहता है, ABCD का ज्ञान है क ख ग घ का, कहां उनको ज्ञान होता है। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, हम मानसून सत्र खुलेगा तो हम बोलेंगे तो भाषणों हमारा खत्म हो जाता वही है भाई। जो भी हो, आपने कोई तस्वीर लालू जी का, हमारा या यहां बैठे जितने नेता, आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे, हाँ भाई जनता के साथ बैठ के उसकी बात को सुन रहा है, उसकी फरियादों को सुन रहा है, किसान के साथ बैठा है, किसान से बात कर रहा है, मजदूर से बात कर रहा है, नौजवान से बात कर रहा है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री रहते, एक फोटो दिखा दो हमको कि खेत में बैठे हो, किसान से बात करते हो, मजदूर से मिलते हो, उसकी परेशानियों, नौजवान से मिलते हो, जाता है नौजवान तो मारो डंडा, किसान और मजदूर भाई लोग की तो इतनी हिम्मत है नहीं। नीतीश कुमार जी ने तो बर्बाद कर दिया, पूरा फसल नुकसान हो गया बिहार का, किसान तबाह हो गया, भूखमरी के कगार पे आ गया, आत्मदाह की नौबत आ रही। इन्होंने तो बाजार समिति सबसे पहले नाश कर दिया, खत्म कर दिया, APMC खत्म कर दिया, MSP किसानों को मिलना चाहिए भाई,
अन्नदाता है, आप जो है उसका हक मार रहे। धान कितने में लिया गया? एमएसपी है उसका 1850 सरकार को, और लोग बिचवा रहे भाई 1000 रुपया, कहीं 1200, कहीं कुछ। किसान का एमएसपी तय नहीं है, लेकिन डीएम साहब का एमएसपी तय है पर क्विंटल 12 रुपया। ये सच्चाई है बिहार की। अस्पताल खंडहर में चला गया, शिक्षा में तो आप देख ही रहे भाई, सनी लियोनी को मैट्रिक पास करा दिया। ये वाले एसटीटी वाले में एक मलयालम की हीरोइन थी अनुपमा, उसको पास करा दिया। पुलिस बहाली में कितना धांधली होता है। अभी वेंटिलेटर चलाने वाला है, बोला कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करा लो, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं दिया और सारा वेंटिलेटर सरकारी जो था उसको प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया गया। ये स्थिति बना हुआ है। अमीर की बहाली हो या कोई चीज, हर चीज में बिना बेईमानी, ध्यान से सुनिएगा, बिना आरसीपी टैक्स के एक काम नहीं होता। अब तो बीजेपी का विधायक बोल रहा है मेरा 80% मंत्री जो बिना इसके कोई काम ही नहीं कर रहा। तो भाई ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफी देर से, पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। अभी दिल्ली से हम लौट रहे थे तो हमने बोला पापा चल चलिए पटना, कम से कम एक हफ्ता रह लीजिए, फिर जाना होगा ठीक रहेगा तो फिर चल जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को भी लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इलाज चल रहा तो हम लोग चाहते बेहतर इलाज हो, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग अगर दुआ में याद रखिएगा, तो लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बीच जरूर वो आएंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखना, केवल अपना काम करते चले जाना, बातों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, और जनता का सरकार बनेगा, चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार बनेगा। लोग पूछता कि क्या होगा, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, ये तो गिरी हुई सरकार है, लेकिन समय आने दीजिए, देखते रहिए क्या होता है। पहले आपस में फरिया लेने दीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए एकदम मजबूती चट्टानी एकता के साथ आप लोग एकजुट रहिए, और हम पुनः हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोनो नीतीश कुमार जी से नहीं, ये तो कब किन्ने जाते हैं वो तो खुद जानबे करते हैं। 4 साल में 4 सरकार कितना बार पलटी मारे, ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, सल्यूट करते हैं अपने नेता को कि चाहे कितना भी साजिशों का अंबार लगाया गया हो, कितना भी लोगों ने झुकाने का प्रयास किया हो, लेकिन अपने इरादे से, अपने विचार से, अपने नियम नीति से उन्होंने एक बार भी झुकना पसंद नहीं किया। भले जेल जाना मरना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता अपने विचारधारा से उन्होंने नहीं किया। ये तो आज का दौर जहां सत्ता के सुख के लिए पार्टियां बदल जाती हैं, विलय हो जाता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में एकलौता नेता है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, और हम सब लोगों को फख्र है, गर्व आना चाहिए कि ऐसे नेता से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, हौसला मिलता है, उम्मीद मिलता है। लालू जी ना कभी झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और तेजस्वी भी कभी नहीं झुकेगा आप लोगों के साथ संघर्ष करेगा, कोई समझौता नहीं। तो बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने प्रदेश